जम्मू ड्रोन अटैक के जवाब की बड़ी तैयारी कर ली गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाई लेवल मीटिंग खत्म हो गई है। गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, एनएसए के साथ मीटिंग 2 घंटे से ज्यादा चली। पीएम की बैठक में शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे, वो बैठक से बाहर निकले हैं। एनएसए अजीत डोवाल अभी पीएम आवास में ही मौजूद हैं। तो ये इसी का तकाजा है कि पाकिस्तान में तमाम इंस्टॉलेशंस को हाई अलर्ट पर रख दिया गया है। ये कह दिया गया है हिंदुस्तान अब कभी भी कुछ भी कर सकता है। उनको मालूम है कि अभी जो नेतृत्व है वो कैसा है और उन्होंने अगर ये गुस्ताखी की है तो उनको क्या भुगतना पड़ सकता है। लेकिन अब इसको वर्ल्ड वाइड कैसे देखा जा रहा होगा, इसके दूसरे इंप्लीकेशंस क्या हैं, खासतौर से डिप्लोमेटिक, त्रिगुनायत साहब उनके पास मैं जाऊं, उससे पहले क्विक अपडेट ले लेता हूं सुमित से। सुमित, कुछ बाहर पता चला क्या क्या? हालांकि बहुत गोपनीय ही रहा होगा सब कुछ, लेकिन किस लाइन पर फैसले हो सकते हैं? देखिए, इस मीटिंग से ठीक पहले आज जो सुबह की डेवलपमेंट थी उसको भी देखना चाहिए, क्योंकि रक्षा मंत्री आज ले के बाद सीधा पहुंचे, उनको एयरफोर्स चीफ की तरफ से, एयरफोर्स के आला अधिकारियों की तरफ से ब्रीफ किया गया। इसके बाद जो एनआईए लगातार इन्वेस्टिगेट कर रही है उसकी तरफ से आज रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भी दी गई। तो ये दोनों तरफ की जो चीज़ें थी इनको लेकर एक अपडेट दिया गया प्रधानमंत्री मोदी को, जिसमें खुद एनएसए भी मौजूद थे। हालांकि रक्षा मंत्री और होम मिनिस्टर दोनों मीटिंग से निकल गए, लेकिन एनएसए प्रधानमंत्री मोदी के साथ उसके बाद भी रहे। तो ये दर्शाता है कि लगातार क्या कुछ नई स्ट्रैटेजी हो सकती है इसको लेकर, और किस तरीके से इन चीजों को हैंडल करना है, क्योंकि ये थ्रेट परसेप्शन या फिर ये लगातार अटैक माना जाए कि ये जो कहा जा रहा था कि स्मैश 2000 के संदर्भ में जो चर्चा हो रही थी कि इसको जल्दी प्रोक्योर किया जाए, क्योंकि ये प्रोसेस तो चल रही है, लेकिन जल्द आए, हमारी राइफल्स में, हमारे जवानों की बंदूकों में फिट हो और वो जल्दी आइडेंटिफाई करे और शूट डाउन करे अगर इस तरीके का कोई यूएवी है। तो क्या ये फैसला लिया गया, हो सकता है इसमें? देखिए वो ऑलरेडी फैसला लिया जा चुका है दिनेश, वो फैसला नेवी के लिए ऑलरेडी लिया जा चुका है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, चाहे वो डीआरडी हो, चाहे वो इंडियन आर्मी के खुद अपने जो उनका जो अपने विंग्स हैं जो लगातार ऐसे टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करते रहते हैं ऑफिसर्स, उन्होंने भी कई इक्विपमेंट बनाए थे जिसमें लेजर इक्विपमेंट्स हैं, जिसमें जैमर्स हैं, और ये सारी चीजों को कितनी जल्दी आप हर कमांड के अंदर, हर इंस्टॉलेशन के अंदर डिप्लॉय कर सकते हैं, दे सकते हैं। क्या है स्मैश 2000? नेवी ने जिसको अक्वायर कर लिया है, लेकिन बाकी जो हमारे विंग्स हैं वो भी अक्वायर करने वाले हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।